तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री मार्ट के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज जिस दिन हम शूट कर रहे हैं वो है छोटी होली का दिन, और होली का दहन भी लेफ्ट में ही है हमारे, जो आप देख ही सकते हैं। और आज आपके लिए लेके आए हैं होली के एक बहुत ही अच्छे मौके पे एक ऐसी गाड़ी जो हमेशा से मतलब इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी मतलब इसकी सेल होती है। रजनी कैसे हैं आप? आपका वेलकम है माय कंट्री मार्ट। थैंक यू सर। चैनल पे जी। हमारे व्यूअर्स को एक बार हेलो जरूर कर दें। सभी को हेलो एंड हैप्पी होली। आज मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला भी मेहरबान है, इतना अच्छा मौसम है। राइट सर। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने सारी गाड़ियां दिखाई हैं ऑटो ट्रेड डिजाइन में, जैसे कि इनोवा तो बहुत हमने कर ली, किया कार्निवल हमने दिखाई, ठीक है, फॉर्च्यूनर कर ली, फॉर्च्यूनर भी कर ली, एक्सयूवी भी कर ली, मेरे ख्याल से हाई क्रॉस भी कर ली। ये फर्स्ट टाइम है, एमजी फर्स्ट टाइम है। तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट थी, कैसे कस्टमर ने आपको रीच आउट किया और क्या उनकी रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल करी है, कुछ थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए इस गाड़ी। बिल्कुल। ऑटो ट्रेड डिजाइन में जब ये गाड़ी आई तो सर ने हमें बताया कि इसको भी कन्वर्ट करना है एक प्राइवेट लाउंज कैबिन में, ठीक है। फिर हमारी सारी टीम ने डिस्कशन किया और सर जब हमने इसमें मॉडिफिकेशन करी ना तो सीरियसली हमें ऐसा लगने लग गया कि इसमें तो इनोवा से फॉर्च्यूनर से ज्यादा स्पेस मिल रहा है। करेक्ट। अब ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी देखो ऑटो ट्रेड डिजाइन जो है वो एक्सटीरियर के लिए कोई मैटर नहीं होता, उनका एक्सटीरियर से कोई छेड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर की बात होती है। रजनी हमारी वीडियोस पे ना काफी सारे कमेंट आते हैं, अब तो हम आपके साथ रेगुलरली कोलैबोरेशन में रहते हैं और वीडियोस बनाते रहते हैं, आपका मतलब वर्क दिखाते रहते हैं, तो मैं थैंक यू करता हूँ किशन सर का जो ऑटो ट्रेड डिजाइन के और ऑटो ट्रेड कंपनी के जो फाउंडर हैं, जो हमेशा से हमारे लिए मतलब कंटेंट के लिए गाड़ी भी भेजते हैं हमारी लोकेशन पे, और मेरी गाड़ी में भी उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी। मतलब वो एक आपकी ना मतलब सोच को पढ़ लेते हैं, मतलब ऐसे इंसान बहुत कम देखे हैं जो आपकी सोच को पढ़ ले, कि आपने बस अपनी सोच बताई है और उन्होंने उस सोच को रियलिटी में बदल दिया है। तो ऐसी ये रियलिटी की है, मेरी थार का एक एग्जांपल है, मेरे को भी जी वैगन का शौक है, मतलब सपना पूरा कर दिया आपने मेरा है। थैंक यू सर। मेरी दिली तमन्ना थी मेरे पास जी वैगन हो, आज मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जी वैगन है अपनी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मतलब जो हम ऐसी इतनी हैवी मॉडिफाइड करते हैं, ये कोई आम मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई देखो ना तो ये सीट कवर चढ़ाने वाली गेम है, ना ये कोई इंटीरियर, ये मतलब टोटली चेंज हो जाते हैं यहाँ मैटर, ये सीट कवर की गेम तो नहीं, नहीं, नहीं सर, ये मॉडिफिकेशन की गेम है, ये लग्जरी कैबिन बनाने की गेम है। बिल्कुल ठीक बात है। लोग पूछते हैं कि सेफ्टी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑटो ट्रेड डिजाइन से हमने इंटीरियर बनवा लिया और सेफ्टी कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी? नहीं नहीं सर, लोग हमेशा से सवाल करते हैं। नहीं बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है। बेसिकली हमारे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं उनका पहला क्वेश्चन रहता है सेफ्टी को लेकर, आपकी गाड़ी में ना हम कपलर टू कपलर वायरिंग करते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो ये रहता है कि आपकी जो गाड़ी की इंश्योरेंस है वो एज इट इज मेंटेन रहती है, क्योंकि हमारी जो वायरिंग रहती है वो कपलर टू कपलर रहती है। दूसरा आता है सर एयर बैग्स का, तो एयर बैग्स आपके एज इट इज मेंटेन रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे एयर बैग्स हैं और वहाँ पे जो हम फैब्रिकेशन कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर टेक्निकल स्टिचिंग का यूज किया जाता है। हमारी जो टीम है वो एक्सपर्ट है, 15-20 साल से वो सेम काम कर रहे हैं। हाँ जी। और उनका स्पेशलाइजेशन ही ये है कि वो आपको गाड़ी में इस तरह की स्टिचिंग, इस तरह का पैटर्न डिजाइन करके दे जो आपके एयर बैग की जो क्वालिटी है, जो सेफ्टी है, वो मेंटेन रखे। देखो मैं तो मतलब एंड यूजर हूँ, मतलब मैं तो आप ये भी कह सकते हैं मतलब मैं तो यूजर हूँ ऑटो ट्रेड डिजाइन के डिजाइन का, मैं तो अपनी थार में यूज कर रहा हूँ, मेरे को अभी 2 साल हो चुके हैं। सेफ्टी से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इनके पास हाईली ट्रेंड लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस मतलब 10-10 साल के 15-15 साल के एक्सपीरियंस लोग हैं जो काम करते हैं, एक बहुत बड़ी टीम है। और अब ज्यादा टाइम न लेते हुए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा आज एमजी ग्लॉस्टर में एक ऐसा इंटीरियर जो आपकी जो राइड है उसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाएगा। आज तो आपके ड्राइवर भी खुश होने वाले हैं, अगर आपके ड्राइवर आपकी गाड़ी को चलाते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिजाइन हो रखी हैं, ये आप चेकआउट करें। सर MG ग्लॉस्टर में ना जो सबसे बेस्ट पार्ट हमें लगा क्या है, इसमें जो हाइलाइटेड है वो हमारी सीट्स है। तो मैं फ्रंट की सीट्स की अगर बात करूं, सबसे पहले तो ना यहाँ पे स्पेस आपको बहुत अच्छा मिल जा रहा है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, इसमें ड्राइवर के लिए भी बहुत कम्फर्ट होगा, मैं एक बार बैठ के भी देखता हूं। हां बिल्कुल, ड्राइवर के लिए भी कम्फर्ट है और आगे भी आप सीट करेंगे कम्फर्टेबल होकर आप इसमें बैठ सकते हैं कंपैरिजन टू अदर कार। जैसे इनोवा में थोड़ा सा टाइट स्पेस था, लेकिन इसके अंदर काफी मुझे डिसेंट स्पेस दिख रहा है, मैं ये कि बहुत बड़ा स्पेस, लेकिन हाँ एक डिसेंट स्पेस है, ड्राइवर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारे ड्राइवर भैया इस गाड़ी को चला के हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा लेग रूम है, मतलब हाइट का भी तो फर्क होता है ना। यस सर। या नहीं भैया, सही कह रहा हूँ? हाँ सही, ऐसे कर दो, देखो ऑटो ट्रेड की टी शर्ट पहन रखी है। अब सबसे पहले कलर की बात करते हैं कि ये क्या कलर है जी? सर ये रिच कलर रहता है, हमारे जितने भी VIP कस्टमर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी होती है ये कलर, बेज टोन में ये आता है। हाँ ये कलर बेज फैमिली में आता है। अब इसमें आप स्टिचिंग पैटर्न देखेंगे ना सर, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे ऑटो ट्रेड डिजाइन के पास में एक्सपीरियंस टीम है और मैं एक
पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, हमारे पास है इंटरनेशनल लेवल की सारी मशीनरी। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि मशीनरी बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट रखा है कि मतलब देखो मशीनरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेबर स्किल्ड है और मशीन भी मतलब आपकी टॉप लेवल की है, तो काम जो है वो अपने आप ही दिखता है। अब आप ये फिनिशिंग चेकआउट करिए, ऑल यहाँ पे देख लीजिए फिनिशिंग। ये इस टाइम इसमें वुडन किया है, ये कस्टमर की डिमांड। यस सर, ये वुडन किया हुआ है, मतलब ये आपकी डिमांड है। आप चाहो तो यहाँ पे कार्बन फाइबर भी डिप कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते, मतलब एज पर योर नीड। ये तो कस्टमर की जो नीड थी उस हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि आपको ऐसा इंटीरियर बनाना है, कलर आप चेंज कराना चाहते हैं, डेफिनेटली हो जाएगा। और ये तो एग्जांपल है एमजी ग्लोस्टर का, किसी भी गाड़ी को कर देंगे। बिल्कुल सर, कोई भी अपनी बड़ी गाड़ी हो, कई बार कस्टमर ये गलतफहमी हो जाते हैं यार, बड़ी गाड़ी आपने बोल के छोटी गाड़ी वालों का दिल तोड़ोगे क्या? नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है, मतलब वो छोटी गरीब आदमी की जो गाड़ी खड़ी है वहाँ i20। नहीं नहीं सर, अब आप प्रैक्टिकली सोचिए ना, i20 में इतना स्पेस नहीं ना कि हम उतनी चीजें नहीं हो सकती। तो ये मतलब एक क्लियर भी कर देते हैं, जैसे कई सारे कस्टमर हमें बोलते हैं, तो देखिए जो छोटी गाड़ी होती है, जो 5 सीटर कार होती है, इतना स्पेस नहीं होता है, हम बाउंड है। अगर उसके अंदर स्पेस होता तो हम कर पाते। अब जैसे इस गाड़ी में जितना अच्छा स्पेस है, ये उतनी सुंदर आपको लगेगी। अभी एक बात करें इसकी रूफ की, ये भी काफी अच्छी लग रही है। ये सब कुछ हमने कवर किया, ये सारे हैंडल्स देखिए इसका। ये फोन जो है, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इस फोन को मतलब इतना इंपॉर्टेंट बनाया गया है कि मतलब इसका यूज है, क्योंकि पीछे कैबिन तो बिल्कुल क्लोज है, अब पीछे बात कैसे होगी? तो ड्राइवर ऐसे ऑपरेट करेगा और अंदर एक फोन है, उस फोन से मतलब कमांड देगा। सर ढाबे पे रोक दूं क्या? सर भूख लग रही है, बहुत देर होगी गाड़ी चलाते चलाते हैं। तो मालिक कहेंगे हाँ रोक दो ढाबे पे, तो जिस ढाबे पे रोकना है रुक जाए। मतलब एक कम्युनिकेशन के लिए है ड्राइवर से कि भाई उन्हें गाड़ी रुकवानी है या कुछ भी एक्स वाई जेड चीजें। बहुत इजी टू है, हाँ। यहाँ पे बटन दिया हुआ है आपको, इट इज वो नॉट लोकल भाई, ये मोटरोला है। ये सोच रहे हो कि लोकल चीजें लगाते हैं। और ये लीजिए आपके लिए आ चुकी है MG ग्लोस्टर विद ऑटो ट्रेड डिजाइन का एक नया प्रोजेक्ट, जिसमें काफी सारी चीजें हम समझेंगे रजनी अग्रवाल से। तो रजनी अग्रवाल आइए अंदर और बताइए हमारे व्यूअर्स को कि इसमें इतना स्पेस क्यों लग रहा है मेरे को। ये ज्यादा स्पेशियस है, बहुत या नहीं सर? तो ये लो जी आपके लिए फोन रखने के लिए, ये लो ये चाबी मैंने यहाँ रख दी है। फोन में थोड़ी बैटरी भी थोड़ी इशू लग रहा है, तो सबसे पहले वायरलेस चार्जर का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये लो जी ये चार्ज हो जा, चार्ज होना शुरू हो गया मेरा तो चार्ज। रिमोट है, ठीक है, नेटफ्लिक्स चलाना है, यूट्यूब चलाना है, Amazon Prime चलाना है, कुछ भी चलाना है, everything is just ऐसे क्लिक करना है। ये लो जी YouTube चल गया इसके अंदर, ठीक है। रजनी ओवर टू यू, कुछ बताइए। सर पहले तो ये सीट्स आप देखेंगे ना, ये सीट्स जो है ये वेलफेयर स्टाइल सीट्स है, टोयोटा वेलफेयर से इंस्पायर्ड है। यस, टोयोटा वेलफेयर से इंस्पायर्ड है। इसकी जो शेप है और उसका जो ये कम्फर्ट है ना, सेम हमने वैसे ही रखा है जैसे टोयोटा वेलफेयर की सीट्स में आता है। ओके, ये सीट्स इतनी ब्रॉड है, अब जैसे और मेरे से भी कोई ऐसे पर्सन बैठेंगे टॉल में, हाँ, तो वो बहुत कंफर्ट होके बैठ पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए तो ये सर मतलब बच भी रही है, स्पेस यहाँ पे आराम से आप देख रहे हैं बच रहा है। तो ये जो सीट्स हमने लगाई ना इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि जो हमारे कस्टमर है उनकी डिमांड थी, वो थोड़े हैवी बॉडी है, अच्छा। तो वो चाहते थे कि उनको बहुत कंफर्टेबल सीट मिले, तो इस सीट्स को हमने और ज्यादा ब्रॉड बनाया है, और ज्यादा कंफर्टेबल लगाया है, और साथ में इसके यहाँ पर हमने मसाजर भी दिया है। अच्छा, इधर दे दिया? यस, वेरी गुड। दोनों साइड आपको मसाजर दिया हुआ है, और जो उसका ऑपरेशन है वो आपको दिया है, ताकि आप आराम से कंफर्ट होके बैठेंगे, और यहाँ पे आप फिंगर्स पे उसको अच्छे से प्रॉपर यहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हैं। देखो मसाज का फील देखो कैमरा में तो कभी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इस टाइम मैं तो बैठा हुआ, देखो मेरी पोजीशन आप देख सकते हो, मेरी बॉडी लाइन देख सकते हो कि मैं सीट पे किस तरीके से बैठा हुआ हूँ, बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब आप ड्राइव पे जा रहे हैं और अगर आप ऐसे बैठे ना, तो आपकी ड्राइव पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। मैंने मसाज ऑन कर रखी है, मतलब पता लग रहा है वो नीचे से ना, वो जो वाइब्रेशन जो आ रही है, जो बॉडी में टच आ रहे हैं वाइब्रेशन के, उससे साफ पता लग रहा है कि मसाज अपनी एक्टिव पोजीशन पे है। उसी के साथ साथ इसमें वेंटिलेशन सीट का भी ऑप्शन, जैसे गर्मी आ रही है तो ठंडी सीट भी होनी चाहिए, तो वेंटिलेटेड सीट मैंने ऑन कर दी है। और अगर आपको जैसे खाना खाना है तो कैसे कैसे मैनेज होगा, मतलब आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर, जैसे इन्होंने वेलफेयर की बात करी, तो वेलफेयर में तो जो टेबल आती है वो तो थोड़ी छोटी आती है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अब ये जो है ये ऐसे घुमा के अपना, और ये ऐसे, ये लो जी। और सर सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कार्निवल की तरह ना दो टेबल आ पा रही है। करेक्ट करेक्ट। बेसिकली क्या होता है, जब हमें सीट ब्रॉड करनी होती है ना, तो हम टेबल नहीं दे पाते हैं, लेकिन इस गाड़ी में MG ग्लोस्टर में जब हम मॉडिफिकेशन कर रहे थे, तो स्पेस का तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आई हमें, मतलब काफी स्पेशियस है गाड़ी। बिल्कुल, मतलब और भी प्रोजेक्ट करे हैं ऑटो ट्रेड डिजाइन ने, लेकिन इसमें इनको ये पता लगा प्लस पॉइंट मिला कि अब ये देखो इसको फोल्ड करना भी कोई ज्यादा हैसल नहीं है, मतलब आप यूज्ड हो जाएंगे तो आप फटाफट कर देंगे इसको। बेसिकली MG ग्लोस्टर में जो
जब आप मॉडिफिकेशन कराते हैं तो जो आपका पर्पस होता है ना कि आपको बहुत कंफर्टेबल होके बैठना है, आपको बहुत लग्जरियस सीट चाहिए और सीट्स के साथ साथ आपको टेबल भी चाहिए, टेबल चाहिए आपको खाना खाने के लिए, काम करने के लिए, वो दोनों पर्पस आपका MG Gloucester में सर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब और क्या क्या चीजें यहाँ पे फ्रिज दिया है इस बार? हाँ सर। तो ये देखो, सबसे पहले आप ये देखो, ये है जी मैनुअल फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक भी ले सकते हो एज पर योर नीड है, हर चीज की मतलब एडजस्टमेंट करके। जैसे एसी के कंट्रोल देखो नीचे दे दिए, आपको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। ये टीवी का जो मैटर था ना, ये बहुत टाइम से अटका हुआ था कि भाई टीवी तो इसके अंदर फिक्स ही रहता है, लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो दिखाई उसमें आप लोग कुछ चेंजेस देखने को मिले, वो चेंजेस है ये जो टीवी है ये लिटरली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो जाता है और ये टीवी के बाद आपको एक नेक्स्ट लेवल व्यू मिल जाता है। पहले तो ड्राइवर से कम्युनिकेशन करने का सिर्फ यही था, जैसे फोन को एक बार रजनी उठाएंगी, ये देखो, तो ये सामने जो फोन है उसमें रिंग जा रही है, वो फोन उठेगा, हेलो बोला जाएगा और बात होगी। तो अब ऐसा है कि भैया अब ऐसी बात है, अब मुझे बहुत देर होगी, मैं ड्राइवर से बात करनी है या फैमिली लोग ही जा रहे हैं, तो अपना इसको नीचे करके अपना चिट चैट करते हुए भी अपन लोग जा सकते हैं। मतलब वो जो दिक्कत थी ना कि भैया कि बात ही नहीं हो सकती अगले बंदे से बिना फोन के, कि भैया ऐसे ऐसे करना, ये मजबूरी हो जाएगी, रोको। एक्चुअली अभी हमने लास्ट इन्वेक्टो लाउंज मॉडिफिकेशन में जो ये फीचर दिखाया था उसके बाद तो जो क्वेरी आ रही है, जो डिमांड आ रही है, उसमें सब यही बोल रहे हैं कि मैडम हमें ना स्लाइडिंग वाला ही टीवी चाहिए। आप चाहो ना इस गाड़ी में एक सीट लगवा लो, ये एक सीट भी लगा देंगे कस्टमाइज सिंगल, मतलब जैसे होता है ना बॉस चेयर, वो भी लगा देंगे, मतलब आपकी नीड और ये कर देंगे पूरी। अब ये देखो आगे इलेक्ट्रॉनिकली चाइल्ड सीट है, इसे आप दो तरीके से समझ सकते हो, या तो इसे आप चाइल्ड सीट कह सकते हो, या तो आप इसे बैठने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर पैर रखने के लिए। पैर रखने के लिए बिल्कुल। ये वाली जो रिक्लाइनर सीट है, ये वाली सीट आप पूरी डाउन करके ये काप सपोर्ट ऐसे आपके यहाँ से पूरे ये काप सपोर्ट पूरा बेड ही बन जाता है। हाँ, ये पूरे काप सपोर्ट आपके ओपन हो जाएंगे। ये देखो, अब ये पूरा बेड बन चुका है ये सर, और ये सीट आप और आगे कर सकते हैं। ये देखिए कंफर्ट, तो मतलब ग्लॉस्टर में मुझे आज पता लग गया कि मतलब हमने काफी सारी गाड़ियां कर ली, मतलब ग्लॉस्टर में अपने को काफी अच्छा स्पेस मिला अनडाउटेडली। इलेक्ट्रॉनिक कर्टन नहीं लगाए? इलेक्ट्रॉनिक जो कर्टन होते हैं वो बेसिकली कस्टमर की डिमांड पे होते हैं। अच्छा अच्छा, तो अगर वो कहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक कर्टन देते हैं। ये अभी ये जो है ये देख लीजिए, ये मैनुअल शेड इसके अंदर लगे हुए, लेकिन अगर आपकी नीड है कि आपको बटन दबाए और कर्टन ऊपर हो जाए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। बिल्कुल सर। और सर आप देख रहे हैं ये जो हमने टच पैनल दिया है, ये इस तरीके से बनाया है कि आपको सीट्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा ना झुकना नहीं पड़ रहा, आगे की तरफ आना नहीं पड़ रहा, आप कंफर्टेबल होके बैठे हैं और आराम से ये टच पैनल आप यहाँ से ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो ये देख लीजिए कितना बढ़िया है, इसके अंदर एल्केंटारा फैब्रिक लगा हुआ है सर। ये जो हमने रूफ में आप देख रहे हैं, ये प्योर जो ये एल्केंटारा फैब्रिकेशन हमने जो किया हुआ है, इसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। अगर आप जैसे अब ये देख रहे हैं ये लाइट्स, ये कंपनी से आती नहीं है, ये लाइट्स हमने बनाई है और उसका टच पैनल ऑपरेशन आपको यहाँ से दिया हुआ है, ये यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ये लाइट आपकी हो गई बंद। ठीक है। और सर एक चीज मैं और बता रही थी कि देखिए आप ये वाला जो शेड है ना, ये भी हमने चेंज किया है। अच्छा, ये जो कपड़ा है सनरूफ का, ये भी हमने चेंज किया है, और यहाँ पे आपको स्टार लाइट का भी ऑप्शन मिल सकता था। अगर आप चाहते तो यहाँ पे हम पूरे में स्टार लाइट भी आपको लगा के देते हैं, वो नीप के ऊपर है। आओ जरा एक बार फ्लोरिंग भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जो ये फ्लोरिंग है, ये फ्लोरिंग कैसी है तो ये देख लो आप, ये फ्लोरिंग जो है बिल्कुल इंटैक्ट फ्लोरिंग आपको देते हैं। फ्लोरिंग के बारे में कुछ समझाइए। फ्लोरिंग में देखिये पहले तो हमने ये ब्लैक कलर का पूरा कारपेट लगाया है, सबसे पहले इसमें नीचे डैम्पिंग की है, डैम्पिंग के ऊपर फिर ये ब्लैक वाला फ्लोरिंग लगाया है, और उसके ऊपर लगाया है ये लग्जरियस फुट मैट जो पूरा कस्टम फिट के साथ बनाया गया है और पूरी गाड़ी को कवर करा है, आगे से लेके पीछे तक आपको ये कस्टमाइज फुट मैट देखने को मिल रही है। ठीक है। अब मैं तिजोरी की बात कर रहा था, देखो हर किसी की नीड होती है, अब कस्टमर की नीड क्या थी, कस्टमर की नीड थी भाई उसको एक लॉकर चाहिए। MG Gloucester में पीछे ना रेयर में काफी ज्यादा आपको स्पेस मिलेगा, मतलब अगर आप देख लो ये ऑलरेडी वेलफेयर इंस्पायर्ड सीट्स होने के बावजूद भी आपको कितना ज्यादा इसके अंदर स्पेस दिख रहा है। और आप ये देख लीजिए लॉकर जो मैं आपको बता रहा था, ये देख लीजिए, ये भी लगा के दिए, मतलब आप चाहे जैसे कैंपिंग के लिए आपको प्रॉपर तरीके से वो जो ट्रे ट्रू लगाने होता है वो भी इनफैक्ट रजनी कर सकते हैं। इतना अच्छा स्पेस है, आप पीछे दो तीन लगेज, दो छोटे लगेज और एक मीडियम साइज का लगेज आप आराम से रख सकते हैं। ये कारपेट कितना अच्छा है यार सर, और देखिए पीछे तक लगाया पूरा, वही मैंने मुझे यही मैट चाहिए अब अपनी गाड़ी के लिए, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब घर के कालीन होते हैं ना बिल्कुल वैसा वाला। और सर ये इजी टू वॉश होता है, बहुत इजीली इसको वॉश कर सकते हैं। मेंटेनेंस का कुछ बताइए, जैसे इतना हाईली हमने इंटीरियर कर दिया तो मेंटेनेंस में कहीं आप प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं सर, ये हम जो भी इसमें आपको मटेरियल दे रहे हैं, प्योर लेदर हम आपको दे रहे हैं, ये फिनिश जो दे रहे हैं आप इसको बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, फॉर्मिंग आता है और कई सारे और वो चीजें आती है जिसके साथ आप इसको पूरा क्लीन कर सकते हैं। पीछे आपने दो यहाँ पे लॉकर देखे हैं, अब देखिए आगे वाला जो कैबिन था ना उसमें जो हमने जो सेंटर कंसोल दिया था उसके अंदर लगा दी
टेबल। अच्छा। तो स्टोरेज आपका खत्म हो गया, ऐसा नहीं है सर। स्टोरेज कहीं और दे दिया है, यहाँ पे आपको स्टोरेज दिया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, स्टोरेज आपको यहाँ मिल जाती है और इसमें पार्टीशन भी बने हुए हैं। बहुत बढ़िया, जैसे डोर आप देख पा रहे हैं, डोर की फिनिश इधर देख लीजिए, पूरी डोर की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ये पूरा कर्टन भी आप देख सकते हैं, ये मैनुअली कर्टन है। डोर पे भी सर स्टिच पैटर्न है, देखिए जो सीट्स पे है वो सेम स्टिच पैटर्न दिए हुए हैं। मतलब यार देखो, आप सीधी बात बताऊं, जैसे मैंने जब अपने घर का इंटीरियर बनवाया ना, तो मैंने इंटीरियर डिजाइनर को बस फोटो दिखाई और उसने इंटीरियर बना दिया। ऐसा ही नाम है ऑटो ट्रेड डिजाइन का। आपने अपनी इमेजिनेशन बतानी है, आप कोई फोटो भी इनको दिखा दोगे ना कि जी ये बना दो, तो इन्होंने वैसा बना दिया, बना के दिया है सर। हमने कार्निवल एक ऐसी बना के दी थी, एक कस्टमर ने हमें कहा था कि उन्होंने ब्राउन और बेज कलर कॉम्बिनेशन में दिया था और सेम हमने बना के दिए। इवन वो हमें कह रहा था कि जो मैंने दिखाया आपको, आपने उससे ज्यादा अच्छा बनाया है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने आपको दिखाई ऑटो ट्रेड डिजाइन की MG ग्लॉस्टर फुली मॉडिफाइड इंटीरियर से। अब कैसे आप लोग इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये आपको रजनी अग्रवाल बताएंगे। बिल्कुल, ऑटो ट्रेड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव में है सर, सेक्टर 37 में। और अगर आपको कोई भी कार में, लाइक इनोवा गाड़ी है, फॉर्चुनर है सर, हाई क्रॉस है, इनवेक्टो जो रिसेंटली हमने आपके साथ शूट किए, या MG ग्लॉस्टर में लग्जरियस लाउंज बनाना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम ऑटो ट्रेड डिजाइन से। और हमारी वेबसाइट्स पे भी सब डिटेल्स अवेलेबल है, autotradedesign.com पे आप विजिट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। बाकी आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी अकाउंट है और हम लोग इंस्टाग्राम की रील भी अभी बनाने वाले हैं, आप लोग वहाँ भी जरूर फॉलो करिएगा। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे ही कांटेक्ट करें, कोई मतलब इधर उधर कांटेक्ट ना करें। जो ओरिजिनल नंबर हैं ऑटो ट्रेड डिज़ाइन के, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम फिर क्या दिखा रहे हो, एक और नई गाड़ी? बहुत जल्दी आ गई इस बार। हाँ बिल्कुल, अब सर मिलती रहेगी आपको। मैंने कहा ना, हर बार इसके बाद हम एक और हाई क्रॉस लेके आने वाले हैं, और अभी तक जो नहीं किया वो उसमें करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम दिया। और थैंक यू व्यूअर्स, आपका भी। कैसी लगी वीडियो जरूर कॉमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। और सबको हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली, और हैप्पी होली हमारे भाइयों को जो इतनी दूर से, हमारे ब्रदर्स भी, सबको हैप्पी होली बोल दो। हैप्पी होली, सारे ब्रदर्स भी आए हुए हैं आज वीडियो देखने के लिए कि वीडियो शूट होता कैसे है। तो आप लोग बस प्यार देते हैं, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। खुदा हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।